Bulbasaur! Bulutu kut isa ikir ki bulta hine mera pyara Bulbasaur! Hine genji ki kul! To hamara ye Pokemon wali dunya mein ek bar fir se swagat hai! Lekin kal ki tarah kisi Pokemon ko aap maar na dena hai JK kal samajh gaye na aap! हाँ यार भैया, अभी अभी पोकेमोन के दुनिया में आए और यार सच बोलूं तो पंटर लोग मुझे पोकेमोन के बारे में कुछ भी नहीं पता यार। आपको जो कुछ भी पता है नीचे कमेंट कीजिए। और यार किस किस को पोकेमोन अच्छा लगता है, कौन कौन ने पोकेमोन देखा है, वो लोग भी फटाक से हाजिरी दे दो कमेंट सेक्शन में। हार चलो अभी सिंडरचेस को एक्सप्लोर करते हैं, जिसको यार सिंचन के दादाजी ने सिंचन को गिफ्ट किया था। और यार इधर तो एकदम ढीचक ढीचक पोकेमोन है। अरे यार सिंचन ये कौन कौन से पोकेमोन है तो क्या तू मुझे बता सकता है? और यार ये तो ड्रैगन जैसा लग रहा है, ये कौन सा पोकेमोन है? ये चैरिजॉट की और ये पिजियो और ऊपर का वो स्क्वाइडल का इवॉल्व रूप भी है, पर ये सब हम यूज नहीं करेंगे। ये सब दादाजी ने मुझे गिफ्ट तो किया ही, लेकिन मैं पोकेमोन को खुद ही पकड़ना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ। पोकेमोन ट्रेनर, इस दुनिया का सबसे महान पोकेमोन ट्रेनर, क्योंकि मेरा दादाजी कहा करते थे, सिंचन लाइफ की असली योद्धा वो होता है जो अपने आप पे सब कुछ पा लेता है। यानी कि असली पोकेमोन ट्रेनर भी वो होता है जो खुद के दम में पोकेमोन को पकड़ सके और उस पोकेमोन को ट्रेन कर सके। तू समझी क्या गेन जी किंकल? इसीलिए मैं इस इंटरचेस से सिर्फ ये पोकबॉल जैसे दिखने वाला फ्लोर आइटम ही लेने वाला हूँ। इससे हमें पोकेमोन को पकड़ने के लिए पोकबॉल से लेकर पूरा इवॉल्व स्टोन भी मिलेगा और बहुत सारा सामान भी है। यार मजा आएगा, तो फिर चलो। ओए रुको रुको, ओए सिंचियन, एक बात, अगर तू दादाजी का सभी बात मानता है तो ये पोकबॉल जैसा दिखने वाला ये फ्लोर आइटम भी तो यार इधर फ्लोर पे मिलता है, यानी कि यार रास्ते पे मिलता है, जैसे कि ऑगी को मिला था फर्स्ट पार्ट पे। तू भी ढूंढ ले, तू क्यों लेकर आया ये सब? इसको ढूंढने पे इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? ओए वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर पोकेमोन को पकड़ने के लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों करने का? इंटरचेस के अंदर इतने सारे पोकेमोन जो है यार, उधर से पोकेमोन पकड़ यार और लड़ाई शुरू कर। मुझे पोकेमोन के साथ बस लड़ना है, मेरे पास भी घूम कर जानवर है, एनिमल फाइट करवाना चाहता हूँ मैं, एनिमल फाइट वर्सेस पोकेमोन फाइट। आ जा यार सुन, अगर तुझे अपना पोकेमोन इतना अच्छा लगता है तो इंटरचेस से निकाल पोकेमोन और आ जा यार मेरे चेस्ट के अंदर भी, मेरे पास खून कर जानवर है, दोनों को लड़ाएंगे और देखेंगे कौन जीतेगा, या तेरा पोकेमोन जीतेगा या फिर मेरा खून कर लायन टाइगर बोलर बियर जीतेंगे। ये क्या बोल रही हूँ जेके कल, आप बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? आपको पता ही नहीं है पोकेमोन कितना खूनकार होती है, आपका वो बोलर बियर को तो मेरा पोकेमोन कच्चा ही चबा जाएगा। ओए यार धतरी के मैं भूल गया यार, लेकिन तेरे पास तो पोकेमोन ही नहीं है। अभी मैं पकड़ के दिखाऊंगा आपको जेके कल, उसके बाद देखेंगे। और यार घर के अंदर क्यों लेकर जा रही हो आप जेके कल? मुझे पोकेमोन पकड़ने के लिए जाना ही। ओए यार तेरा पोकेमोन का क्या भरोसा, पिछले पार्ट में तो मेरे ऊपर ही चढ़ रहा था, अगर इस बार चढ़ने के लिए आया ना, देख मेरे पास भी डायमंड शॉर्ड है सिंचन, मुझे नहीं पता मैं तो पोकेमोन को मार दूंगा, क्योंकि जो ये 2.5 किलो के जैक के साथ पंगा लेगा ना, जैक उसका चूर चूर करा देगा। ऐसा समझ नहीं आएगा जेके कल, मैं आज पोकेमोन को अच्छे से पकड़ूंगा और मेरे पास पोक बॉल भी है और मुझे अपने में पूरा यकीन है। अरे यार ये दो भाई भी ना कितना लड़ते हैं यार, चुपचाप इधर से निकलते यार पोकेमोन पकड़ने के लिए चलते। अरे यार तुम दोनों को पोकेमोन और एनिमल फाइट करवाना है? अरे ये देखो यार मेरे चैनल का एनालिटिक्स, इतने सारे पंटर लोग ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, मैं तो इसको देख के ही हैरान हूँ यार, ना जाने यार वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार पंटर लोग। अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने वालों में से है तो यार प्लीज कर देना पंटर लोग, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। चलो मेरे दो भाई चलते हैं अब पोकेमोन पकड़ने के लिए, तो हमारा एडवेंचर हो चुका है शुरू, अब हम जा रहे हैं पोकेमोन को पकड़ने के लिए। पोकेमोन तुम किधर हो? ओए ना जाने किधर मिलते हैं ये भद्दे से दिखने वाले पोकेमोन, ओए किधर हो तुम लोग? ओए यार हमारे गार्डन में तो नहीं हो? ओए घुसपैठियों लोग, अगर गार्डन में आए तो चूर चूर कर दूंगा। ओए हमारा ब्राउन पांडा और यार हमारा शीरू वीरू का परिवार भी इधर है। ओए यार इधर तो कोई पोकेमोन दिखाई भी नहीं दे रहा है। जेके कल आप तो चुप ही करिए, आपका साउंड सुन के पोकेमोन डर जाते हैं, इधर तो कोई नहीं है गार्डन में पोकेमोन। चलो हिल टॉप पे जाते हैं पोकेमोन को ढूंढने के लिए, जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है।
अरे यार मैं तो चलते चलते थक गया यार, पूरा गांव को चक्कर मार रही है लेकिन एक भी पोकेमॉन दिखाई नहीं दे रहा है। ओए सभी लोग डर के मारे भाग गए होंगे, पोकेमॉन बेचारे वो आगे क्या ये चुपचाप बैठी, आगे मुझे कुछ पोकेमॉन दिखाई दे रहे हैं। अरे यार पोकेमॉन यानी कि हमारा एडवेंचर शुरू हो रहा है क्या? अरे यार सिंचन अच्छे से देख आगे कौन सा पोकेमॉन है यार, थोड़ी बहुत मेरे को भी सिखा दे पोकेमॉन खेलना यार, मुझे भी खेलना है पोकेमॉन। मैं अच्छे से पोकेमॉन और सीख पाता अगर भैया जैक मुझे पोकेमॉन देखने देते तो यार, पोकेमॉन देखने ही नहीं देते थे भैया यार। अरे यार आगे का ये कौन सा पोकेमॉन है? अरे यार गोलू बोलू सा पोकेमॉन सिंचन यार, इसको पकड़ना कैसे पकड़ते हैं? ये तो विगली पफी एकी किल। अरे यार चलो सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं। ओए यार ये तो कुछ लड़की जैसा पोकेमॉन है यार, ऐसा पिंकी पिंकी पोकेमॉन भी पकड़ना है क्या? अब तो चुपी बैठी जय किल, मुझे जैसे भी करके इसको पकड़ना है। आजा मेरी विगली पफ, लेकिन इसको पकड़ते कैसे ही, मैं भी इस गेम में नया नया हूं, ये तो अभी मार रही थी। ओए यार लड़की मुझे मारे, ओए रुक जा इसकी तो मैं ढकड़ी कर डालूंगा। ओए तुम लोग पीछे जाओ, ओए सिंचन मुन्ना होगी मुन्ना तुम लोग पीछे जाओ। ओए यार ये तो हमला कर रही है, ओए तुझे मार दूंगा मैं, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, ये ले मर गई। ए भैया यार आपने इतनी प्यारी पोकेमॉन को मार क्यों दिया? अपने ओ यार ऊपर से इन लोग का मैं जान बचाऊ, और ऊपर से यार ये लोग मेरे ऊपर ही चिल्लाते हैं, अगर मैं उसको नहीं मारता ना वो हमें मार देता और हमारा एडवेंचर खत्म हो जाता, समझ गए ना तुम दोनों भाई? इसीलिए ऐसा लड़की वड़की पोकेमॉन देखना बंद करो और कुछ खुनखार सा पोकेमॉन दिखाओ, जिसको यार बाद में मैं मेरा एनिमल के साथ लड़ाई करा दूं। ओए यार इस मशरूम के साथ भी क्या लड़ाई हुआ यार, इसको तो पकड़ना ही बेकार है, चल इधर से। अरे यार पकड़ लेते थे ना भैया यार, एक पोकेमॉन तो होता हमारे पास। अरे यार इसको पकड़े क्या भैया? है यार इसका नाम तो क्या दिखाई दे रहा है, सैंडस्ट्रूम। ये तो सैंडस्ट्रूम ही, ये तो कमाल का पोकेमॉन ही। ओए यार तुझे तो हरे कमाल का लगता है, इसको पकड़ लेते चलो यार, ये तो भी लिए यार, चलो तो हमारा पहला पोकेमॉन सैंडस्ट्रूम। ओए यार इसको मैं किसके साथ लड़ाऊं, लायन के साथ लड़ाऊं या फिर टाइगर के साथ? ओए एक पोकेमॉन तो इधर ही है, एक काम करते हैं, वो यही है ना जिग्लीपफ, इसी के साथ लड़ा देते हैं। ओए यार इधर आजा सैंडस्ट्रूम, तुझे हमने टेम किया है, इसको मार, इस लड़की वाली पोकेमॉन को, इसका नखरा बहुत ज्यादा था ना इसीलिए हमको मारा था ना, फिर से आ गई नखरे वाली लड़की। ओए यार ये तो हमें मार रही है, सैंडस्ट्रूम तू किधर भाग गया, हमारा हिफाजत तो कर। अभी तो इस दुनिया में नहीं गया, आपको सब कुछ आज ही सीखना ही क्या? अरे यार भैया आप भी जल्दबाजी में क्या कुछ करते हैं, सैंडस्ट्रूम देखिए यार हमारे साथ अच्छे से टेम भी नहीं हुआ है, वो तो चुपचाप खड़ा रहकर फाइट देख रहा है, और भैया यार आपको तो सभी के साथ एकदम मुकाबला करना है। और यार बिचारी जिग्लीपफ फिर से चली गई, ओए यार इस पोकेमॉन का कुछ काम ही नहीं है। ओए सिंचन यार मेरा बात मान, तू इधर से चलते यार मस्त यार सोते, आपको सोना ही तो चाहिए, अब सब कुछ बिगाड़ रहे हो, बोले तो बिगाड़ रहे हो, अब अंकी कलर मेरे को अच्छे से पोकेमॉन पकड़ने दीजिए। ओए यार ये देखो हरा कलर का पोकेमॉन, अगर पकड़ना है तो इसी को पकड़ते हैं ना। अरे यार इसको पकड़ेंगे तो भैया ये हमें बहुत मारेगा, नहीं यार इसके तो पास भी नहीं जाते यार सिंचन, ये तो कुछ खूनखार सा पोकेमॉन दिखाई दे रहा है, ये तो सच में खूनखार ही, इधर से चलते हम सबसे पहले छोटे छोटे पोकेमॉन को पकड़ती है, क्यूट क्यूट सा है यार, बिल्कुल सही बोला। अरे यार इसको तो मैं भी जानता हूँ, ये स्क्वायडल है ना, बिल्कुल सही बोली है कि क्लब। अरे यार स्क्वायडल तो मेरा फेवरेट पोकेमॉन हुआ करता था, क्योंकि यार इसका कलर भी ब्लू है और मेरा भी ब्लू यार, क्यों ना इसको टेम कर लेते हैं। अरे यार ये तो अपने पास आ भी गया यार स्क्वायडल, मजा ही आ जाएगा। यार ये देखिए हमारे पास चार मेंढक भी है, इसको भी पकड़ लिए, बेचारे पानी के अंदर मर रहा था, हमने इसको पकड़ के बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए हमारे पास कुल मिला के 3 पोकेमॉन भी हो गया, और इधर ये तो बल्बासौर है, हमारे पास बल्बासौर भी है, और इसको भी हमने पकड़ लिया। देखिए अरे स्क्वायडल इसको भी पकड़ लिया क्या? ओए यार चुप करो तुम दोनों यार, ऐसा पिद्दी विद्दी पोकेमॉन को पकड़ के यार कुछ ज्यादा ही उफड़ रहे, अगर दम है तो ऐसे ही पोकेमॉन को पकड़ते ना, देख कितना बड़ा है ये। अरे यार भैया आपको नहीं पता स्क्वायडल का ताकत, स्क्वायडल बहुत ताकतवर पोकेमॉन है, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा था। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है कि यार तुम दोनों ही पिद्दी लोग, चुप करो यार, तुम दोनों को तो यार ऐसा पिद्दी विद्दी पोकेमॉन अच्छा लगता है। अगर यार हमारे पास इधर इवोल्यूशन स्टोन है, वाटर स्टोन यार, क्यों ना इन लोग को इवॉल्व किया जाए। अरे यार अभी इवॉल्व करना है क्या, स्क्वायडल कितना प्यारा है, अभी इसको इवॉल्व नहीं करते है ना भैया, अभी नहीं करते है ना जेकिकल, प्लीज जेकिकल थोड़ी बहुत स्क्वायडल के साथ खेलेंगे, उसके बाद इसको इवॉल्व करेंगे और बड़ा करेंगे, अभी तो ये छोटा है, कितना प्यारा है ना। ओए यार मैं इसको इवॉल्व करके रहूंगा, ओए इधर आ जाए स्क्वायडल के बच्चे।
आज मैं तेरे को इस स्टोन से बड़ा करके रहूंगा। अरे यार भैया देखिए इसको भी बड़ा नहीं हो रहा है इसीलिए ये भाग रहा है। जय किकल कुछ बात को समझते क्यों नहीं यार, जय किकल की पागल की तरह हरकत करती हो आप। वाह चुप करो तुम दोनों, इधर आ जा, तेरी तो नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और पीछे से हमला करता है तू मेरे को, पीछे से रुक जा तेरी तो मैं मुंडी फोड़ दूंगा। अरे यार भैया यार अब तो आपने स्क्वायरल के साथ भी दुश्मनी ले लिया यार। भैया यार आप सभी के साथ दुश्मनी लेंगे तो पोकेमोन ही हमारा जाने दुश्मन बन जाएगी और ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे स्क्वायरल सॉरी यार, माफ कर दे जैक भैया को, एक बार माफ कर दे। वही यार माफ गया तेल लेने वही इससे तो मुझे मार दिया। अरे यार भैया की वजह से मेरा प्यारा स्क्वायरल मुझे छोड़ के चला गया। जैक अंकल आप ये क्या कर रहे हो? दो स्क्वायरल स्क्वायरल हमें माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। अरे यार स्क्वायरल के साथ भी दुश्मनी मोल लिया भैया जैक ने। यार सॉरी सॉरी, मैं तो यार इसको इवॉल्व ही करना चाहता था लेकिन यार ये इवॉल्व होना ही नहीं चाहता। अरे भैया यार अगर इवॉल्व होना ही नहीं चाहता तो आप इवॉल्व क्यों कर रहे हो यार? चुपचाप इधर बैठिए, आपकी वजह से पोकी बॉल भी खत्म हो गया और हमको फिर से रिस्पॉन होना पड़ा और यार कुछ बॉल तो गायब सा हो गया। अब फिर से हमें बॉल पकड़ना होगा। तो चलो यार थोड़ी बहुत बॉल भी मिल गया, अब हमारे पास वो फ्लोर आइटम भी बहुत सारा कम है। अब हमें फटाफट पोकेमॉन को पकड़ना होगा और यार हमें ट्रेन करना भी तो सीखना है कैसे ट्रेन करते हैं पोकेमॉन को। हाँ यार आज हमें जैसे भी करके पोकेमॉन को ट्रेन करना सीखना ही होगा, उन लोग को ट्रेन भी करना होगा जैसे भी करके। अभी तो हमारे पास पोकेमॉन भी नहीं है यार, ये सब जैक अंकल की वजह से हुआ कि। ओए यार कितने बार मैं माफ मांगू तुम लोगों से, ओए सॉरी यार माफ कर दो। यार ये बड्डा सा दिखने वाला पोकेमॉन कौन है? जैक अंकल तो फिर हमने पहला अपना विकसित वाला पोकेमॉन पकड़ ही लिया है, ये बल्बासोर का विकसित रूप इबासोर ही। अरे यार इबासोर यार की मजा ही आ गया। और ये कौन है? लॉरिश। ओ यार ये कौन है? मैं तो यार इसका ज्यादा नजदीक चला गया क्या? ओ यार ये तो हमें मारने के लिए आ रहा है। अब देखो यार हमारा लाइफ भी घटा हुआ है। ओ यार ये हमारे साथ दुश्मनी तो नहीं ले रहा है? ये तो लैप्रस पोकेमॉन है यानी कि वाटर पोकेमॉन, लेकिन ये जंगल में क्या कर रही है? लगता है ये भटक गई और ये बहुत गुस्से में थी। कुछ पोकेमॉन होती है बहुत गुस्से में होती है और ये लोग सभी को मार देती है और ये उनमें से एक लगती है इसलिए इसने हमें मार दिया। ओए यार उसकी इतनी हिम्मत, मुझे मारे उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं जैक अंकल आप लैप्रस को कुछ नहीं करेंगे, देखिए कैसे पेड़ के ऊपर बैठ रही है, वो भी गुम हुई है इसीलिए वो थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, बाद में उसे अपना दोस्त मिल जाएगा तो वो खुशी खुशी चली जाएगी। अभी चलते ही बाकी पोकेमॉन को ढूंढने के लिए। ओए यानी कि लैप्रस को नहीं पकड़ना है क्या? अरे यार भैया अभी भी उसको पकड़ने के लिए जाएंगे तो वो हमें छप्पड़ फाड़ के मारेगी, इससे अच्छा तो चलो यार दूसरे पोकेमॉन को पकड़ते हैं। अभी चलो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा पोकेमॉन है। देखिए हमारे पास कितनी सारी पोकेमॉन हुआ है, एक पोकेमॉन ये, एक दो तीन, और देखो हमारे पास तो कुल मिला के चार पोकेमॉन है। और ये देखो इबासोर इसको फिर से पकड़ेगी। यार दो दो इबासोर का क्या करेंगे? अरे यार भैया दो इबासोर होंगे तो एकदम ढींचक हो जाएगा ना, दोनों बॉडी गार्ड हो गए, दोनों दोस्त भी हो जाएंगे। चलो तो फिर और एक इबासोर हमारे कलेक्शन के अंदर आ चुका है। और यार इधर देखो स्क्वायरल, अरे यार स्क्वायरल को पकड़ लूं तो यार लाइफ निकल बन जाएगा, मेरा फेवरेट पोकेमॉन है स्क्वायरल। स्क्वायरल मेरे साथ आजा, मैं तुझे बहुत ट्रेन करूंगा और तुझे सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा। है स्क्वायरल आ भी गया। लगता है कि स्क्वायरल आपको पसंद करने लगा कि। अरे यार भैया देखिए ये तो जादू सा हो गया। ओ यार ना जाने तुम लोग को ऐसा पिज्जी सा पोकेमॉन क्यों पसंद आता है, वो ये तो हमारा पीछा पीछा कर रहा है, इसको मार दूं क्या मैं? है भैया ऐसा जरूरत भी मत करना आप। है यार लगता है मुझे ट्रेन करना आ गया, कैसे पोकेमॉन को ट्रेन करते हैं शीचर, यार मुझे पोकेमॉन को ट्रेन करना आ गया। बस इन लोग को पोक बॉल से निकालना है और उसी पोक बॉल से टेम में दबाना है। अरे यार इस पे क्यों नहीं हो रहा है? इस पे बड़ा वाला पोक बॉल यूज होगा जैक अंकल, देखिए ये ग्रेट बॉल वाला पोक बॉल, और देखिए वो भी टेम हो गया। अब ये लोग सभी हमारे पीछे पीछे आएंगे क्योंकि ये हो चुके है हमारा पोकेमॉन। अरे पंटर लोग तो फिर बताओ यार आपको इनमें से कौन सा पोकेमॉन सबसे फेवरेट लगा? मेरा तो स्क्वायरल फेवरेट है और पंटर लोग मुझे बहुत खुशी लग रहा है। इन सभी लोग के लिए एक लाइक तो बनता है। जैक अंकल आप क्या बोल रहे थे? आपका पोलर बियर लायन टाइगर बोल रहे थे ना? आप देखिए उस बड़ा सा पोकेमॉन को भी मेरा पोकेमॉन लोग कैसे मार रहे हैं, उसको मैंने बस एक झटका मार दिया और मेरी पोकेमॉन उसको कैसे मार रहे हैं। ऐसे ही करके आप जिसको भी लेकर आएंगे ना मेरी पोकेमॉन के आगे, चाहे वो पोलर बियर ही क्यों ना हो, उसका भी वो लोग चित्रा चित्रा कर देंगे, समझ गए ना आप?
ओए यार, अगर तेरे पोकेमॉन का इतना ही भरोसा है तेरे को तो आ जा, तो फिर घर चलते हैं। मैं भी दिखाऊंगा तुम लोग को ताकत। पहले इसको भी निकाल दी। देखिए मेरे पास दो पैसर हुई। इसको भी तो घूमने का है कि चल इसको भी मैं ट्रेन कर देता हूँ। तुम मेरी मेरी पोकेमॉन सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ। ओए आ जाओ अभी मेरे यार, जंगली एनिमल्स को देखेंगे ना डर के मारे सुशु करके भाग जाएंगे उधर से। अरे यार भैया, वो तो भक्ति बताएगा ना। ओए यार, तू किसका साइड ले रहा है? अरे भैया यार, मैं तो किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ। चलो तो फिर घर भी आ गए। चलो यार अभी देखते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा यार। पर मेरा स्क्वाडल को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए ना आप? चिंता मत कीजिए, अभी पोकेमॉन का ताकत जाएगा नहीं ही पता। तू भी देख अंकल, बंद क्यों कर रही हूँ दरवाजा? ओए यार, इन लोग को बाहर ही वेट करने को बोल, मेरे कमरे के अंदर क्यों घुस रहे ये लोग? अरे यार भैया यार, क्या होता है यार, बाद में पोछा वोछा मार लेंगे ना। अभी यार चलिए, आपका यार वो पोलार बियर जंगली जानवर किधर है? पहले तो चलो ये सब सामान चेस्ट के अंदर रख देते हैं। अब भैया यार, अपना चेस्ट खोलिए और अपना पोलार बियर को निकालिए, और जिसको भी निकालना है निकालिए, देखते थोड़ा बहुत ताकत कितना है। ओए यार, इनमें से तो मैं घमासान युद्ध करूंगा, लेकिन यार मुझे नहीं लगता ये छुटुंदर पोकेमॉन युद्ध करने के लिए रेडी भी है। एक बार स्पॉन करके तो दिखाइए, आपकी तो मुंडी फोड़ देंगे मेरी प्यारी पोकेमॉन। लो तो यही है ना पोकेमॉन, ये लो देखो, एक झटका मैंने मार दिया और सर स्क्वाइडलर चार मीटर मिलके पोलार बियर को मार भी दिए। अरे यार, मेरा स्क्वाइडलर तुम्हें कमाल का है। ओए, एक को लड़ने के लिए तीन दिन लेकर आती हो और खुद को यार हीरो समझते हो क्या? आ जाओ तो फिर बाहर, वही दिखाता हूँ, मैं भी दिखाता हूँ तुम लोग को पोलार बियर का ताकत। अभी तक तुमने पोलार बियर का अच्छा रूप देखा था, अब देखो यार कैसे हमला करेगा ये। ओए पोलार बियर निकल तो बाहर, इन लोग को मार दे। ओए यार मुझे मत मार, ओए यार इन लोग को मार, देख मेरा पोलार बियर का गुस्सा। अरे यार भैया, अब आपको नहीं पता हमारा पोकेमॉन का गुस्सा यार। मैं भी अब सिंचन के शायद में हूँ, क्योंकि यार पोकेमॉन कमाल के। और ये तो अभी शुरुआत ही, अभी तो हमने पोकेमॉन को ट्रेन कैसे करती वो सब सीख लिए, अब बाद में इनको इवॉल्व करना भी सीखना है, इनको और ट्रेन भी करना है। इसी तरह से पट्टा लोग, तुम नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। और हाँ यार, जैसे कि अंकल ने बोला था ना, बहुत सारे पट्टा लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भी कर दो। ओए करके रखो सभी लोग सब्सक्राइब, क्योंकि अगली बार सिर्फ पोलार बियर नहीं आएगा सिंचन रॉकी। तुम लोगों ने मुझे बहुत ही गुस्सा चढ़ा दिया, और अगली पार्ट में मैं इसका बदला जरूर लूंगा, ये मेरा वादा है। और जो भी देख रहा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि अगली एपिसोड में सिंचन रॉकी के पोकेमॉन का मैं गुत्थिया तोड़ने वाला हूँ, समझ गए ना आप लोग?